नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी में आपका स्वागत करता हूँ। सभी आज मैं फिर से हाजिर हूँ नई जानकर भादों के महीने में लाला वाले पीर की साधना 110% सिद्धि मिलती है पीरों की बात। जो लोग सत्य के नंबर लेना चाहते हैं, गड़े धन को निकालना चाहते हैं गुरुओं के सन्निधि में, इस साधना को करके देखें आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जो लोग पूछा लेने के इच्छुक है, जिन लोगों के अंदर चलती है धारणा की मुझे पूछा लेनी है, मुझे लाला वाले पीर की साधना करनी है, जो लोग इस पीर से प्रेम करते हैं और जो इनकी इबादत करते हैं, जिनके घर में ये पीर साहब पूजे जाते हैं, वह लोग इनकी साधना कर सकते हैं। लाला वाले जो पीर हैं इनकी जो साधना है वो 1.25 महीने में होती है, ठीक है। दूसरी बात है ये साधना कर्म गुरु के सानिध्य में ही करें तो आपको ज़्यादा इसका जो है फल मिलेगा। दूसरी बात इनके साथ कई प्रकार की शक्तियां चलती हैं, इनके साथ कई प्रकार की शक्तियां चलती हैं, जैसे कि वीर कई प्रकार के वो बोलते ना कि इल्मी तिल्मी शक्तियां चलती हैं, रूहानी लाख दाता पीर की साधना जो है कुछ लोगों के द्वारा बताया जाता है कि आप 1.25 महीने इस काम को करें, ठीक है, और 1.25 महीने में ये आपको सिद्ध हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है, ये आपने इस साधना में आपने मांस मछली का प्रयोग नहीं करना है, सात्विक साधना प्रतिदिन साफ सुथरे वस्त्र पहन के साधना को आपको जो करने से पहले उत्तर और पूर्वमुखी आपको बोलते ना मुख रखना है, 5 चूरमे 5 बूंदी वाले लड्डू है, 7 पताशे है, थोड़े से चावल देने हैं, 7 लौंग 7 इलायची 2 मीठे पान रखना है, 1 चमेली की आपको माला रखनी है, जहाँ आपको गुलाब की माला भी रख सकते हो सब्सिट्यूट। और आपको इस साधना को प्रतिदिन जो करनी है आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना है, ठीक है, ब्रह्मचार्य आपका टूटना नहीं चाहिए। मंत्र है बिस्मिल्लाही रहमानी रहीम, जल तू जलाल तू कुदरती कमाल तू हर वेले नाल, मुश्किल पे बंगारे सखियां दा सुल्तान तू, मुश्किल पे इंसाना ते मेरे काज सवार तू, चले मंत्र फुरे बादशाह देखा लाला वाले लख दत्ता पीर तेरे इलम दा दिन। इतना सा मंत्र है, इतना सा कर्म है। इसमें आपने जो माला लेनी है वो हरे रंग की तस्वीर लेनी है, प्लास्टिक की माला बोल सकते हैं आपको नॉर्मल मिल जाएगी, ठीक है ना। इस मंत्र का प्रयोग जो है गुरु कृपा दृष्टि में ही करना है, सरसों के तेल का दीपक लगाना आपको, ठीक है। और सामान मैंने जो बताया है सामान आपको पहले दिन देना है और फिर बाद में आपको लास्ट वाले दिन देना है, ये पीर की दरगाह में देना। और दूसरी बात है ये आप जो है अभी भादों के महीने में कर सकते हो, ठीक है। और आपको कई प्रकार के अनुभव होंगे, पीर आपको दिखने लग जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। स्वयं को इत्र लगा कर कुल का पजामा पहनकर और सुगंधित लुबान की धुनी गुरुवार की गुरुवार दें और आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। 100% प्रमाणित साधना है, पहले करी गई है फिर आप लोगों तक यहाँ लाई, बाकी जो लोग गुरुओं के संध में करेंगे उन लोगों की यह साधना जरूर सफल होगी और पीर महाराज की पार्वती प्रतिष्ठी उन लोगों की होगी। आदेश देश जय गुरु। अलग।